नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आपका राज्य आपकी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें, पहली खबर है सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण यादव पर कसा तंज। समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने निजी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर जातिवाद को लेकर तंज कसा, साथ ही आरक्षण को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। दरअसल दो दिन पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव एक निजी कार्यक्रम में सिरसागंज में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एससी एसटी को लेकर राजनीति की मर्यादा को तार तार कर दिया। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी नहीं बख्शा। उनकी इस टिप्पणी पर कार्यकर्ताओं ने खूब हंसी उड़ाई और तालियां भी बजाई। बता दें, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा, कभी कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर रहा करते थे, गवर्नर भी थे, अब गवर्नर भी नहीं। लड़के को कभी मिनिस्टर नहीं बनाया और लोधी राजपूत समझते हैं कि यह बीजेपी की संतान है, कोई हो रहा है लाभ। आप पता कीजिए जो रिजल्ट निकल रहे हैं। श्याम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और मैं यहाँ उनके आमंत्रण पर हाजिर हुआ। वैसे श्यामवीर जी का कद तो छोटा है, लेकिन मन बहुत बड़ा है, और जिसका मन बड़ा होता है वही बड़ा होता है। बिल्कुल। और जिस संस्थान का शुभारंभ आज हो रहा है, मेरा ऐसा अनुभव है कि मैंने जितने संस्थानों का शुभारंभ किया है वो सब हमेशा बड़े, और ये मेरी कामना है कि उनका ये संस्थान निरंतर प्रगत पथ पर अग्रसर होता रहे। गरियाबंद में कांग्रेस कमेटी ने बैठक का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से खबर है। गरियाबंद के जिला के छुरा विकासखंड अंतर्गत नगर पंचायत छुरा के विश्राम गृह में कांग्रेस कमेटी के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया गया और इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन में बैठे जिन किसानों की जान गई उनके लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही बीते दिनों स्वर्गवास हुए वरिष्ठ कांग्रेसी चन्नू सिन्हा को भी श्रद्धांजलि दी गई और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं और केंद्र सरकार के काले कृषि कानूनों के बारे में आमजनों के बीच जाकर किसानों से चर्चा करने की बात कही गई। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020-21 खरीफ विपणन वर्ष में की गई धान खरीदी को चुनौतियों के बीच नया कीर्तिमान बताया गया। इस बैठक में कांग्रेस कमेटी जिला गरियाबंद के जिलाध्यक्ष भाव सिंह साहू और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजी ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष समद खान, कांग्रेस पार्षद मक्कू दीक्षित, मीडिया प्रभारी सलीम मेमन और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कांग्रेस में आज किसान के तीन विरोधी कानून और जो काला कानून लागू किया है केंद्र की मोदी सरकार, उनके विरुद्ध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तत्वाधान में किसान महापंचायत सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो आज 2.5 महीना करीब हो गया आंदोलन चलते और केंद्र की मोदी सरकार बहरा गूंगा बन के बैठा है, किसानों का जो बोल रहा है उनको सुन नहीं रहा है, तो उनको हम लोग जगाने के लिए अब पूरा छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार पैदल यात्रा करेंगे, गांव-गांव जाकर किसान के तीन काले कानून को विरोध में उनको बताएंगे और किसान को जगाएंगे। जो यह आदेश महात्मा गांधी के सपनों में आज इतना आगे बढ़े थे, उसको आरएसएस के द्वारा इसको ख़त्म करने की तैयारी किया जा रहा है और किसान को परेशान करने का जिसके षड्यंत्र में वो हम लोग इस सम्मेलन के जरिए आज बात रखे। हरिद्वार में कुंभ मेला अधिकारी ने फ्लाईओवर का काम शुरू किया।
उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में आए दिन लगने वाले जाम की वजह से जहां गंगा में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को समस्या से रूबरू होना पड़ता था, वहीं स्थानीय निवासी भी लगातार गंगा स्नान के दौरान जाम की समस्या से परेशान रहते थे। मध्य हरिद्वार में सिंहद्वार के पास एक फ्लाईओवर पिछले कई वर्षों से बाधित पड़ा हुआ था, जो कि आज कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने निरीक्षण कर शुरू करवा दिया और मौके पर पहुंचे कुंभ मेला अधिकारी ने नारियल फोड़कर पुल का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ के लिए इस फ्लाईओवर की जरूरत हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं को थे। अब हर की पौड़ी सहित देहरादून की ओर जो भी व्यक्ति जाएंगे उनको इस मार्ग में जाने में आसानी होगी, साथ ही स्थानीय निवासियों को अब जाम की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। कुंभ कार्यों पर मेलाधिकारी ने कहा कि अभी सिर्फ हमारे छोटे कार्य बचे हैं जिनको इसी फरवरी महीने के अंत में पूरा कर लिया जाएगा। लंबा है और कितनी NHAI के जितने भी काम पूरे शहर में चल रहे हैं उसमें से एक तरह से आप मानिए कि सबसे मेजर वर्क जो अभी तक बचा हुआ है वो सिंहद्वार और प्रेमनगर का फ्लाईओवर है और इसका आज जो राइट हैंड साइड है इस आई थिंक अच्छा काम हुआ NHAI की। मुझे तारीफ भी करनी होगी कि लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के बावजूद भी सारे टारगेट्स आपने मीट किए हैं, केवल यही वाला अभी हमारा बचा हुआ है और इसमें भी आज क्योंकि राइट हैंड साइड चालू हो जाएगा तो लेफ्ट साइड पे आपको मशीन्स लगाने का और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, वहाँ पे उस स्पेस को यूज़ कर पाएंगे और NHAI ने आज हमें अश्योरेंस दिया है कि फरवरी के एंड तक इस सिंहद्वार और प्रेमनगर के दोनों तरफ के जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों हमको थ्रू करके दे देंगे। हमारा का सारा ट्रैफिक जो आपका दिल्ली से आ रहा है जिनको हरिद्वार में एज सच कोई काम नहीं है, देहरादून जाना चाहते हैं या गढ़वाल निकलना चाहते हैं, उनको शहर में नहीं आना पड़ेगा। कुंभ के लिहाज से भी हमारे लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इससे आसानी मिलेगी। यूपी के गोंडा में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से खबर है। गोंडा के जिला अस्पताल में स्वच्छ भारत अभियान मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला अस्पताल के CMO द्वार के पास गंदगी है जिससे बीमारियां पनप रही हैं। जिम्मेदार लोगों की लापरवाही से आज भी गोंडा देश में साफ सफाई के मामले में निचले पायदान पर बना है। यहां पर जिला प्रशासन DM के आदेशों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रहा है। बता दें कि सभी विभागों को DM ने साफ सफाई रखने के निर्देश दिए थे, साथ ही कहा था कि किसी भी तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। CMO ऑफिस के बाहर ही गंदे पानी के कारण जलमग्न बना हुआ है, वहीं कई महीनों से गंदे पानी के ठहराव से घातक बीमारियां पनप रही हैं। अस्पताल प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है, कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। फिरोजाबाद में बाइक के कटे हुए पुर्जे खेत में मिले। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के मोहम्मदपुर गांव के पास सड़क किनारे सरसों के खेत में बोरे में बाइक के पुर्जे कटे हुए मिले। मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। बाइक चोरों द्वारा चोरी की बाइकों को काट कर सप्लाई की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें आए दिन हो रही बाइकों की चोरी का पुलिस जांच में खुलासा हो सकता है। हम सारे लोग मित्रगढ़ सुबह रेस लगाने आते हैं यहाँ पे। आर्मी की तैयारी है, आर्मी की 5 तारीख भर्ती स्टार्ट हो रही है। आए रेस लगाई तो देखा कि यहाँ काफी सामान डला हुआ था, बिखरा हुआ। हमने अपने गांव वालों जाके बोला तो काफी लोग गांव वाले भी आए, आप देख सकते हो काफी चले भी गए यहाँ से। और तब तक आप आ गए। गाजियाबाद में नाले से व्यापारी का शव बरामद किया गया। गाजियाबाद पुलिस ने नेशनल हाईवे 9 के पास एक नाले में से व्यापारी की लाश बरामद की है। बता दें कि यह लाश सूटकेस में से बरामद की गई है। व्यापारी की पहचान संजय नगर निवासी ज्ञान प्रकाश के रूप में हुई है। ज्ञान प्रकाश की हत्या के मामले में पुलिस ने मधुबन बापूधाम इलाके में रहने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला और उसके पति ने पूछताछ में पुलिस को चौंकाने वाली बात बताई है। वही महिला से पूछताछ में पता चला है कि उसने करीब 2 साल पहले ज्ञान प्रकाश से 1,40,000 रुपए ब्याज पर लिए थे। जब महिला ब्याज की रकम नहीं चुका पाई तो आरोप लगा है कि ज्ञान प्रकाश उसका शारीरिक शोषण करने लगे थे। बीती 4 तारीख की रात जब ज्ञान प्रकाश महिला के घर आए तो महिला और उसके पति ने ज्ञान प्रकाश को नींद की गोलियां खिला दी थी। इसके बाद गला घोटकर ज्ञान प्रकाश की हत्या करके उनका शव सूटकेस में डाल दिया गया था। उसी रात में सूटकेस को विजयनगर के पास नाले में ठिकाने लगा दिया गया था।
5 जनवरी 2021 को थाना मधुन बापू धाम में एक व्यक्ति जो संजय नगर के निवासी हैं श्री ज्ञान प्रकाश त्यागी जी, उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जो टीमें उनको ढूंढने के लिए लगाई गई थी उनमें से कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। आज उनमें से एक पति पत्नी की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ में पता लगा कि 4 तारीख की रात्रि में ही उन लोगों ने जो है श्री ज्ञान प्रकाश त्यागी जी की हत्या कर दी थी। उनकी निशानदेही पे शव को बरामद कर लिया गया है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में एक बैग में डाल के उन्होंने एक नाली में जो है जहां इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है वहां पे डिस्पोज ऑफ कर दिया था। उसकी बरामदगी हो गई है। परिवारी जनों द्वारा उसकी शिनाख्त कर ली गई है। जो अपेक्षित कार्रवाई है पुलिस द्वारा वो की जा रही है। 5 जनवरी टैक्स बकाया होने की वजह से नगर निगम की टीम पहुंची गाजियाबाद के शिप्रा मॉल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के शिप्रा मॉल को टैक्स ना देने की वजह से नगर निगम की टीम सील करने गई थी। बता दें कि मॉल का 2 करोड़ का टैक्स बकाया था। वहीं मौके पर 40 लाख का चेक दिया गया। उसके बाद फिलहाल मॉल को रीओपन कर दिया गया। साथ ही जल्द ही जल्द टैक्स देने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दान में आई रकम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से खबर है। बलौदा बाजार जिला के कसडोल अंचल के प्रसिद्ध स्थल मातागढ़ तुरतुरिया में दान पर चढ़े रकम की गिनती कसडोल जनपद पंचायत में गुपचुप तरीके से की जा रही थी। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं द्वारा मातागढ़ में चढ़ाए गए लाखों रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषणों को बिना किसी सुरक्षा के गिना जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही कसडोल जनपद पंचायत सदस्य सिद्धांत मिश्रा तत्काल कसडोल पहुंचे और गिनती पर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद दान की रकम को वापस दान पेटी में डालकर गिनती बंद कर दी गई। दरअसल कसडोल जनपद पंचायत के द्वारा प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा के दिन मातागढ़ में विशाल मेले का आयोजन होता है, जहां छत्तीसगढ़ के कोने कोने से श्रद्धालु मेले में दर्शन लेने पहुंचते हैं और इस दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा लाखों रुपए का दान भी किया जाता है। ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के तहत यहाँ गिनती का कार्य चालू था। इस पूरी प्रक्रिया में क्या पंचनामा किया गया था जब पेटी को तुतुरिया में उठाया गया था? नहीं, उसका पंचनामा नहीं। तो क्यों पंचनामा नहीं किया गया था? अब ये तो सामान्य इस तरह की प्रक्रिया शुरू से चलती आ रही थी, तो उसी का पालन हुआ, उसमें कोई विशेष द्वारा कहा गया कि सीओ के द्वारा आदेश दिया गया है, उसमें ये लिखित आदेश था। इस पर जनप्रतिनिधियों से पूछा गया था? जनप्रतिनिधियों को मौखिक सूचना दी गई थी फोन के माध्यम से, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय को। इसको किसको सूचना दी गई थी? अध्यक्ष मैडम को थी, उपाध्यक्ष महोदय को दिया गया था। यहाँ पे आज जो पेटी खोला गया तो क्या इसका पंचनामा हुआ था? पेटी खोलने का पंचनामा नहीं हुआ था, ये अपने शासकीय कर्मचारी जो यहाँ के हैं उन्हीं के बीच में सब काम हो रहा था। तो ये पंचनामा हुआ नहीं था? यहाँ पे कितने लोग मौजूद था? क्या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद था? जनप्रतिनिधि कोई नहीं था यहाँ। तुरतुरिया में माता रानी का जो भी दान राशि है हमारे कर्मचारियों द्वारा मेरे दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ जनपद में लाया गया और काउंटिंग के लिए 11 लोगों को ड्यूटी लगाया गया था, तो सही रूप से अपना काउंटिंग कर रहे थे। तो इसके बावजूद जनपद सदस्यों को सूचना नहीं दे पाया था और अध्यक्ष महोदया और सभापति महोदय मेला राम साहू को मौखिक रूप से बताया था कि आप ऐसी ऐसी बात है कह के, तो ठीक है सर ऐसी बोले, तो काउंटिंग हो रहा था। तुरतुरिया में माता रानी का जो भी दान राशि का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के सहरसा से खबर है। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज्य के बसनही थाना क्षेत्र में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिन दहाड़े एक ही गांव के 2 अलग अलग लोगों से कुल 4 लाख रुपए लूटे जाने का जीता जागता सबूत है। बसनही थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल पर कुल 4 अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने PNBCSP संचालक सहसोल गांव निवासी वरुण झा से 3,50,000 रुपए लूट लिए और उसी गांव के एक और युवक से 50,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सहसोल गांव निवासी CSP संचालक वरुण झा PNB ननोती बैंक से रुपए निकाल कर अपने घर वापस लौट रहे थे और उक्त गांव के मिथिलेश दास का भी उसी बैंक से 50,000 रुपए निकाल कर घर जा रहे थे। उसी क्रम में बतनाहा पुलिया के समीप 4 की संख्या में अपराधियों ने हथियार दिखाकर पहले मिथिलेश दास को रोककर हथियार का भय दिखाकर पहले 50,000 रुपए छीन लिए और उसी के पीछे से आ रहे CSP संचालक
वरुण झा को भी रोककर उनके पास से 3,50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। किसान बैंक गए 2:15 बजे, बैंक में पैसा नहीं था, वहाँ बैठ गए चुपचाप टेबल पर। उसके बाद आया पैसा दिए, चेक भर करके दिए, हमको पैसा दिया 4:20 में पैसा दिया, और हम पैसा लिए फिर डिक्की में रखे, पैसा लेकर के चले ससौल अपने घर। आ घर के रास्ते में मतलब थोड़े दूर पन्नापुर मुसहरी से पीछे और बरौना मुसहरी से आगे, बीच में ही सर एक गाड़ी वहाँ खड़ी थी, दूसरी गाड़ी गई और हमरे गाड़ी में धक्का मार करके उसके बाद बोला कनपट्टी में तुरंत सटा दिया सर, एक पीछे में सटा दिया, एक 50,000 था। उत्पाद विभाग की जांच की टीम ने शराब सहित एक कारोबारी को किया बरामद। खबर बिहार के नवादा से है। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र स्थित समेकित जात चौकी पर मंगलवार की सुबह 10 बजे उत्पाद विभाग की जांच टीम ने एक पिकअप गाड़ी से 520 बोतल शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। पिकअप पर तहखाना बनाकर शराब लाया जा रहा था। उत्पाद निरीक्षक रामप्रीत कुमार ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक नवादा अनिल कुमार आजाद के निर्देश पर समेकित जांच चौकी पर शराब को लेकर 24 घंटे वाहन जांच होती है। प्रत्येक दिनों की भांति वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि झारखंड की ओर से पिकअप गाड़ी में शराब की एक बड़ी खेप बिहार लाई जा रही है। इसके बाद पूरी मुस्तैदी के साथ जवानों के सहयोग से प्रत्येक वाहनों की जांच की जाने लगी। इस दरमियान झारखंड के बोकारो की ओर से आ रही पिकअप वाहन को रोका गया। वाहन में वाहन चालक मौजूद था और उसकी जांच की गई तो तहखाना बनाकर 520 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। उत्पाद इंस्पेक्टर ने बताया कि एक गिरफ्तार धंधेबाज के ऊपर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। वाहन जांच की जा रही थी। आज सुबह करीब 9 बजे एक पिकअप को रोका गया। पिकअप को रोक कर देखा गया तो उसमें गुप्त बॉक्स बना हुआ था। गुप्त बॉक्स की जांच करने पर उसमें से विदेशी शराब के 520 बोतल बरामद हुए। सभी बोतल 750 ml के थे और टोटल शराब की मात्रा 390 लीटर पाई गई। इसका बाजार मूल्य लगभग 4 लाख के आसपास। पूछताछ में कहां से आ रहे थे सर? इसने बताया कि बोकारो से हम आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर लेकर के जा रहे थे। इसमें एक व्यक्ति जो चालक था उसकी गिरफ्तारी की गई है। वाहन मालिक छानबीन के बाद वाहन मालिक पर भी आरोपित किया जाएगा। वाहन जांच मेरठ में 10 वर्षीय बच्चे के साथ किया गया कुकर्म। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है। मेरठ के हस्तिनापुर की शकुंतला कॉलोनी में 10 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म किया गया। बता दें कि मोहल्ले का ही सुंदर नाम का व्यक्ति बच्चे को दूर जंगल में ले गया था। उसका मुंह बंद कर नाखूनों से उसे घायल कर दिया गया, साथ ही बच्चे के साथ मारपीट भी की। 10 वर्षीय बच्चा अभिषेक इस घटना से काफी भयभीत है। बच्चे ने जंगल में छुप कर अपनी जान बचाई। बच्चा मदहोश स्थिति में लड़खड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा। पूरा मामला 6 फरवरी का है। पीड़ितों ने आज थाने में तहरीर देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना हस्तिनापुर में कस्बा निवासी भवर सिंह द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2021 को उनके लड़के के साथ हुई मारपीट के संबंध में सुंदर के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 32/21 धारा 342 323 506 IPC पंजीकृत किया गया है। उनके द्वारा IGRS पोर्टल पर भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें वही आरोप अंकित है। कल उन्होंने एक नया प्रार्थना पत्र जो है थाने पे दिया है, जिसमें उसी 6 तारीख की घटना को दिखाते हुए ही उसी अभियुक्त के विरुद्ध उन्होंने नए आरोप अंकित किए, जिसमें उनके पुत्र के साथ दुष्कर्म की बात भी जो है उन्होंने लिखी है। मेरठ में अज्ञात व्यक्तियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है। जिला मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र में देर रात NH 58 दौराला टोल प्लाजा के आगे शाहनवाज निवासी मई की अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस अभी मौके की जांच कर रही है। शाहनवाज को ग्लोबल हॉस्पिटल में लेकर परिजन पहुंचे। क्षेत्र में पूरी तरह सनसनी का माहौल बन चुका है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि शाहनवाज मेरठ जली कोठी के पास अपने कपड़ों की दुकान करता है। वह हर रोज की तरह इस सुबह भी अपनी कपड़े की दुकान पर गया था। दुकान बंद करके मेरठ से अपने गांव जा रहा था। गांव जाते समय दौराला टोल प्लाजा को पार करते ही अज्ञात व्यक्तियों ने शाहनवाज के सीने में गोली मार दी। आपको बता दें कि उसको ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया।
आपको बता दें कि एक कर्मचारी की एक अशोका दाल मिल में दाल के बोरों के ढांग गिरने से मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है। मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र के रिठानी स्थित अशोका दाल मिल में सोमवार सवेरे दालों से भरे बोरों की ढांग के नीचे दबकर एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिवारजन उसको निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तुरंत ही परिजन मृतक की बॉडी लेकर दाल मिल गेट पर आ गए और विलाप करने लगे। मृतक के परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिलवाया। कबाड़ी बाजार स्थित शिव मंदिर के पुजारी फिरन मिश्रा बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने 20 वर्षीय बेटे मोहन को मेरठ बुला लिया था और 1 फरवरी को उसकी नौकरी रिठानी स्थित अशोका दाल मिल में लगवा दी थी। सोमवार सवेरे वह मिल में आया और काम करने लगा। लगभग 10 बजे मोहन के ऊपर दाल से भरे बोरों की ढांग गिर गई, जिसके नीचे दबकर मोहन की दर्दनाक मौत हो गई। हमारे भैया अंदर काम कर रहे थे, उनको उन्होंने पता नहीं मार दी क्या करी, और 50 फीट नीचे उन्हें मशीन में अंदर चला गया बेचारा मेरा भाई। वो मिस्त्री था, वो क्या नाम था उसका? मोहन, मोहन कुमार नाम है इनका। फरुखाबाद में समर पंप से 2 लोगों को करंट लग गया। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से खबर है। फरुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के अखमेलपुर गांव में खेत में समर पंप निकालते समय 2 लोगों को करंट लग गया। करंट लगने से 2 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को परिजनों ने CHC में भर्ती कराया है, वहीं एक की हालत गंभीर है जिसे जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। आपको बता दें दबंगों ने एक युवक को मारकर उसे फांसी पर लटका दिया। फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से खबर है। फरुखाबाद के कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के बीघामऊ गांव में दबंगों ने युवक को घर से बुलाकर मारपीट कर फांसी पर लटका दिया। फांसी पर लटकाने का परिजनों ने आरोप लगाया था। बता दें कि 10 दिन पहले युवक को खेत की रखवाली के लिए दबंग घर से बुला ले गए थे। सुबह युवक का पेड़ पर फांसी के फंदे पर शव लटका मिला और शरीर पर चोटों के निशान मिले थे। पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। वहीं 10 दिन बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित पक्ष ने SP से न्याय की गुहार लगाई। चौकी इंचार्ज अमित कुमार पर पीड़ित पक्ष ने घर पर जाकर गाली गलौज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। मेरे भाई को 4 लोग जो है शाम को 8 बजे लेके गए, रोमा साहब 8 बजे लेके गए। उसके बाद मैंने 10-11 बजे ना खोजबीन की, मेरा भाई नहीं मिला। जो लोग लेके गए मैं उनके घर पे 11 बजे के बाद गए, मगर ये लोग घर पे नहीं मिले। कौन कौन लेके गया था? गौरव और गुंजन और बलराम। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।